top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. और ये घटना है, खतरनाक है। ये समाज में इस तरह की घटनाओं का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और हमारी तो मांग है कि तुरंत पीड़ित को इसमें जो है उनको सजा मिले, जो अपराधी हैं उनको पकड़कर उनको पुलिस अपनी कार्रवाई करके सजा मिले। और इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं तो ये अपनी तरीके की घटना नहीं है, प्रदेश में और भी अगर आप मुजफ्फरनगर की घटना ले लो, आप हरदोई में रेप की घटना है, तो बहुत रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही है। तो इससे एक बात बड़ी स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज बिल्कुल नहीं है। और यहाँ जिस रामराज की कल्पना, जिस विश्वास के साथ लोगों ने वोट किया था कि शायद रामराज स्थापित होगा, लेकिन यहाँ तो मुझे लगता है जहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो इस राज के बारे में ऐसा कह सकता हूँ कि ये बिल्कुल कानून व्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से पेश। बीजेपी में सवाल खड़े करेंगे, देखिए जो विपक्ष की भूमिका है, उस विपक्ष की भूमिका को सकारात्मक भूमिका समाजवादी पार्टी जो है वो निभाएगी, अपना सकारात्मक भूमिका हम निभाएंगे उत्तर प्रदेश में। और जिन मंचों पर हमारा, जहाँ जो भी मंच है, चाहे वो संसद है, चाहे वो विधानसभा है, विधान परिषद है, जो भी उचित मंच है उन पर इन मुद्दों को उठाए, तो हम तो हमेशा यही प्रयास करेंगे उत्तर प्रदेश में हमारे समय जो घटना हुई थी उनको तुरंत दोषियों को पकड़ा भी गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई। हम तो ये कह रहे हैं कि इस पर तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए।